Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Salaam Alaikum. This is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 9 from exercise 5.3 of NCERT page number 113. This says the sum of first 7 terms of an AP is 49. मतलब मैं क्या given है? First 7 terms, पहली 7 terms का sum 49. Sum given is भाई. तो sum के लिए हम लिखते हैं S7. First 7 terms का difference is sum is 49 and that of 17 terms is 29 और 17 terms का sum हमें बोला है 289. 17 terms का sum मतलब S17 is 289. Find the sum of first n terms. First n terms का sum निकालना है, Sn निकालना है. N terms का हमें इतनी value नहीं चाहिए, हमें n terms का sum चाहिए. Fine. So यहाँ पर अब आपको जो given है आप उसी data को use करेंगे. सबसे पहले इसको अगर हम यूज करते हैं S7 को, Sn का फॉर्मूला होता है n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 d. सो S7 जो हम लिखते हो इज इक्वल टू 7 by 2 ब्रैकेट 2a plus 7 minus 1 d. क्योंकि ना हमारे पास a है ना हमारे पास d है, उसको एज इट इज क्वेश्चन में लिख रहे हैं. सो S7 की वैल्यू हमको गिवन है 49 is equal to 7 by 2 bracket में 2a plus 7 minus 1 is 6, so 6d bracket close. अब इस bracket से हम यहां से common निकाल सकते हैं 2, so 49 is equal to 7 by 2 into यहां से common आया 2, तो अंदर क्या बचा? जब यहां से 2 आपने common निकाल लिया तो अंदर आपके पास बचा यहां पर a plus 60 में से जो हमने 2 common निकाल लिया तो अंदर बचा 3 3D. So, यहाँ पे 2 से 2 cancelled. 3 is 7 अब नीचे आ जाएगा. तो 49 by 7 is equal to A plus 3D. यहाँ पे उस value cancel करेंगे तो 7 1s are, 7 7s are. So, A plus 3D equal आ गया आपके पास 7 के. इसको हम मान लेते हैं हमारी equation number 1. अब same ways आप use करेंगे इस S17 को. S17 के लिए सेम फॉर्मूला में, Sn के फॉर्मूला में मैं n की जगह पुट करूंगी 17. जहां जहां n है वहां क्या पुट करेंगे? 17. सो यहां पर आया 17 by 2 ब्रैकेट में 2a plus n की जगह अगेन 17 minus 1d ब्रैकेट क्लोज. नाउ S17 की वैल्यू आपको गिवन है 289, तो आप यहां लिखेंगे 289 is equal to 17 by 2 2a plus 17 minus 1 is 16. So 16D. Bracket close. Then again 289. ये 17 by 2 है. इसको इधर ले आते हैं. तो into 2 by 17. Value reciprocal हो जाएगी side change करने पर. उधर आपके पास बच रहा है 2A plus 16D. So यहाँ पर 17 ones are, 17 17s are होता है 289. 17 twos are is 34 is equal to, यहां से हमारा common क्या निकल रहा है? 2. So, आपने 2 बार निकाला, तो अंदर आपके पास क्या बचा? यहां से अगर आपने 2 निकाल लिया, तो अंदर बचा a plus 16 में से 2 निकल गया. That means, divide हो रहा है. तो बचा आपके पास 8d. इस 2 को आप नीचे लेकर आएंगे, तो 34 by 2 is equal to a plus 8d. So, 2 ones up, ones are 2, 17s are. तो a plus 8d आपके पास equal आ गया यहां से 17 के. इसको हम मान लेते हैं हमारी second equation. अब इन दोनों equation से first equation और second equation का use करके हम यहां से क्या find करेंगे? A और D. So, from first and second A plus 8d is equal to 17 और A plus 3d is 7. अब आप इसको माइनस करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया. 8d माइनस 3d विल बी इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 10. सो d की वैल्यू यहां से आ गई 10 बाय 5. इसे आप कैंसिल करेंगे तो 5 वन्स आ, 5 टूज आ. सो d की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से 2. कॉमन डिफरेंस आ गया. अब d की वैल्यू से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं. दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए.
So we're going to here put karte hain, put in the value of d in first. इसके अंदर put कर रही हूँ. So a plus 3d. D की value क्या है आपके पास? 2. Is equal to 7. So a plus 3 2's are is 6 is equal to 7. So a is equal to 7 minus 6. That means a is equal to 1. A की value क्या अभी हमारे पास? अब a और d आ चुके हैं. निकालना हमें S n. Sum of n terms. So sum of n terms निकालने के लिए Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 d. Bracket closed. So Sn, अब हमें n terms का निकालना है, इस बार हम n को कुछ put नहीं करेंगे, n as it is रहेगा. So n by 2, 2a, a की value हमारे पास है 1 plus 1 minus 1 d. I mean n minus 1 d. D की वैल्यू हमारे पास यहां से आई है 2, तो मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ वैल्यू 2. सो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, 2 वन इज 2 प्लस 2 इंटू एन इज 2n माइनस साइन 2 इंटू 1 इज 2. सो 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया. आपके पास बचता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2n. 2 से 2 कैंसिल. सो एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर. That means sum of n terms आपके पास आ गया n square. This is the answer. Sum of n terms is n square. So basically इसमें क्या है, questions में जो given है पहले उसको लिखिए, उन data को use करके उसे formula put कीजिए and then you will get the answer. So this was 9th question from exercise 5.3 of NCERT. अगर आपको कोई question समझ नहीं आ रहा है, please do write to us. The space नीचे given है उसमें लिखिए and do watch the next video for some more questions. Goodbye.